आजकल जो हमारे स्टूडेंट्स नई लॉट आ रही है हर साल पिछले दो चार सालों से जो भी ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट्स डिग्रीज करके आते हैं सो कॉल्ड बहुत रिनाउंड यूनिवर्सिटीज से बहुत लाखों की फीस दे के वो प्रैक्टिकली लाइफ में आते हैं जब हमारे पास आते हैं देयर ज़ीरो को कुछ नहीं आता. उसकी दो रीजन्स हो सकती हैं. प्रैक्टिकल नहीं है या उनको सिखाया नहीं जा रहा उस तरह से जो हमारी मार्केट की डिमांड है या वो करना नहीं जा रहे. बिहेवियर रोल तो किसी भी करियर में आप चले जाएं किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं योर बिहेवियर इज योर फर्स्ट थिंग. आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके बोलने से अगले 10 मिनट में आपके इंटरव्यू में पता चल जाता है कि आप चल पाएंगे या नहीं. तो उसमें सबसे पहले तो आप सीखने आप मतलब एक अगर आप एक चीज़ अपने बिहेवियर में रखें बेशक आपके पास डॉक्टरेट की डिग्री भी आ गई है कि मुझे सीखना है अभी भी आई एम लर्निंग प्रोसेस तो आई गेस बिहेवियर में भी कोई मसला नहीं रहेगा. और आपको अगर कोई करेक्शन भी करेगा ना तो आप उस पर भी माइंड नहीं करेंगे. तो हमारे एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स में ये होता है कि हम पढ़ के आगे डिग्री ले ली हमें सब आता है तो हम तो बॉस हैं हमें जाए हमें एक बहुत हैंडसम पैकेज में अमाउंट में सैलरी मिले सीट मिले हमें काम करना ना पड़े. तो ऐसे नहीं होता. उनको करेक्शंस वो उनसे बर्दाश्त नहीं होती क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होता. लेकिन जहाँ क्रिटिसिज्म होता है परफेक्शन भी वहाँ आती है. हमने भी सहा हर एक सक्सेसफुल बंदे के पीछे बहुत सारा क्रिटिसिज्म होता है तभी आप कुछ बनते हैं. आई डोंट थिंक सो कि इट्स सो मच हेल्पफुल. उसमें टेक्निकल भी देख लें आप बिहेवियर भी देख लें कि हमारे पास आजकल मतलब इंटर्नशिप्स पे आते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स उनको चीज़ों को फॉलो करना है. मतलब हर ऑब्वियसली हर चैनल की हर इदारे के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं. आप जिस जगह पे जाते हैं आपने उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना होता है ना कि इदारा आपके अकॉर्डिंग चलेगा. ठीक है उसमें उनको सबसे पहले वहाँ पे प्रॉब्लम जो आ रहा होता है हमें बिहेवियर का ही आ रहा होता है स्टूडेंट्स का. दे डोंट फॉलो द रूल्स दे डोंट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. उसके बाद टेक्निकल काम आना या ना आना अगर आपके बिहेवियर में पॉजिटिविटी है लर्निंग तब सीख जाते हैं. ऑब्वियसली जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं इसीलिए यही वजह है कि एक इंटर्नशिप का ट्रेंड सेट हो गया कि डिग्री करके आते स्टूडेंट्स कह रहे हैं हम इंटर्नशिप करें पेड नहीं कर रहे. पेड कैसे करें भाई आपको आता क्या. तो माइट भी कि अगर हमारे करिकुलम में प्रैक्टिकल को 80% तक ले जाए और बाकी उनको बताएं कि ये आपको चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी ये आपको सीखना पड़ेगा तो आप कर सकेंगे तो शायद कुछ चीज़ों में चेंज आए. इंडस्ट्री हमारी जो है ना बहुत जगमग है. दूर से देख के दूर से कुछ और है लोग प्रैक्टिकली आते हैं तो उसमें कुछ और है. ठीक है तो उसमें पहले तो आपको अगर स्टूडेंट का अपना विजन क्लियर है कि उसको क्या करना है उसको मसला नहीं होगा. आपकी अपनी पर्सनैलिटी हर इंसान की एक अपनी पर्सनैलिटी होती है. अपनी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग पिक करना है ना कि अपने इंडस्ट्री की चकाचौंध देख के चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग जाना है. आप डी ट्रैक हो जाएंगे. आप अपनी चीज़ों को देख के करें. पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है. आप राइटर हैं आप डायरेक्टर हैं आप प्रोड्यूसर हैं आप एक्टर हैं हर एक की अपनी मतलब अब मैं राइटर हूँ और मैं एक्टर को फॉलो करूँगी तो मेरी पर्सनैलिटी कहाँ हो गई. ठीक है तो हर बंदे को अपनी पर्सनैलिटी अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ग्रूम करना चाहिए. आप करें भी फॉलो करें चीज़ों को लेकिन उस हद तक करें कि आपकी पर्सनैलिटी पर उसके पॉजिटिव इम्पेक्ट्स रहें. मेरा एक स्टाइल है हमेशा से मैं सीखती हूँ. मैं आपसे भी सीख रही हूँ मैं अपने ऑफिस के ऑफिस बॉय से भी सीख रही हूँ उसमें भी कोई ना कोई अच्छी बात होगी. सिर्फ ये चीज़ है कि मैं हर डे मुझे ये होता है अच्छा आज के दिन में मैंने किससे क्या सीखा. एट द एंड ऑफ द डे मैं एनालिसिस करती हूँ अपना असेसमेंट करती हूँ कि अच्छा आज ये हुआ पूरे दिन को रिकॉल करूँगी ये चीज़ सीखी. एज बींग राइटर मेरी डीलिंग लोगों से और तरह की है. ठीक है राइटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है कि जिस मतलब प्राइवेट भी चल रहा है जिस तरह से भी जो प्रोड्यूसर की डायरेक्टर की डिमांड होगी हमें उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना है लिखना है. एज बींग डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो मैं सर्विसेज दे रही हूँ वहाँ पर मेरी डिमांड होती हैं वहाँ पर जो मेरे लिए लिख रहा है यहाँ करना है. तो दोनों चीज़ों में डिफरेंट चीज़ें हैं. अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन बिहेवियर को चेंज करना पड़ता है. जहाँ पर किसी की सुननी है तो सुननी पड़ती है. सुनोगे तो सीखूँगी. अब जब तक सुनेंगे नहीं आप नहीं सीख सकते. तो इसको मतलब सुनने की आदत हमारे स्टूडेंट्स का जो बहुत बड़ा मसला है सुनते नहीं हैं. उनको लगता है कि हम परफेक्ट हैं. परफेक्ट तो हम भी नहीं हैं कोई भी नहीं होता. परफेक्शन तो सिर्फ एक रब की ज़ात में होती है. ह्यूमन बीइंग कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता.
बंदा जो बहुत काम कर रहा है, ठीक है, आप अपना काम में बेस्ट 100 दे रहे हैं, लेकिन आपके बिहेवियर, आपके एटीट्यूड में वो चीज़ें नहीं है, तो आप ज़ीरो हैं. ऐसे भी लोग होते हैं इंडस्ट्री में जो काम तो नहीं कर रहे थे, सिर्फ अपने बिहेवियर चीज़ों से, अपनी पर्सनैलिटी, उनकी मतलब वही इतनी लोगों को वो इम्पेक्ट दे देती हैं कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन अगर आप स्किलफुल भी हैं, काम भी कर रहे हैं और आप पॉजिटिव पर्सनैलिटी के साथ लेके चल रहे हैं खुद को, तो मतलब एक दिन आएगा कि आप एक होंगे एक लेवल पे. तो ये पर्सनैलिटी, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट थिंग करियर. बिल्कुल बनने चाहिए. इस वक्त जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ की दौड़ है, सिर्फ वहाँ पे स्टूडेंट्स को नॉलेज देने के अलावा सब हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे हर चीज़ का कंपटीशन है. बस ये नहीं है कि हमारे स्टूडेंट्स आगे जाएं, तो वो तो वहाँ से डिग्रीज ले ली, जिनका शायद कुछ स्टूडेंट्स का पर्पस भी यही होता है कि बस हमें डिग्री चाहिए, बाकी हमें फील्ड में मिल जाएगा. फील्ड में कुछ भी नहीं मिलता जब तक आपके आपके पास डिग्री मैटर नहीं करती. ऐसे भी लोग इंडस्ट्री में बहुत कामयाब है जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, सिर्फ अपने स्किल के बिहाफ पे, अपनी स्ट्रगल के बिहाफ पे वो लोग काम कर रहे हैं. तो इस सारी सिचुएशन में, सिनेरियो में ऐसे इदारे ही बनेंगे तो कुछ स्टूडेंट्स जो नए हमारे आने वाले स्टूडेंट्स हैं कुछ अच्छा कर पाएंगे, कुछ अच्छी आउटपुट देंगे. हमारे यहाँ अभी भी कहा जाता है आजकल अच्छे राइटर्स नहीं हैं, बहुत कमी है अच्छा लिखने वालों की. भी कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स को, मतलब अगर एक अच्छा लिखने वाला है उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, मिल रहा है तो उसको पता नहीं करना कैसे. अभी हर चीज़ रेफरेंस से नहीं होती, उनके बिहेवियर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो इसमें, इस सारे सिनेरियो में ऐसे इंस्टीट्यूशंस का बनना बहुत ज़रूरी है जिसमें एटलीस्ट स्टूडेंट्स को उनका फोकस बताएं, भाई आपको ये करना है और ऐसे करना है, दिस इज़ द राइट वे, आप गलत जा रहे हैं.